और से इसमें आप फाइनल मुकाबला देखने को मिला डिस्ट्रिक्ट की टीम और यहाँ पे दोनों टीमों के बीच में टॉस करवाया जा रहा है रेफरी और मुख्य अतिथि के द्वारा। बहुत अच्छा शानदार कांटे की टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। सिरमौर वॉन द टॉस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सिरमौर की ओर से एक नंबर खिलाड़ी रेड पे महासंग्राम महामुकाबला शुरू होता हुआ सिरमौर और सोलन के मध्य। सिरमौर की तरफ से एक नंबर खिलाड़ी अनामिका टीम की ओर से, इनका किट का नंबर भी एक है और पूरे टूर्नामेंट में नंबर एक खिलाड़ी। सोलन की तरफ से ये वाला, इनका रुतबा भी कमाल है, पांच नंबर की खिलाड़ी। एमटी रेड वापस अपने कोर्ट में, किसी प्रकार का जोखिम अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि शुरुआती क्षणों में मैदान को परखना चाहते हैं और डिफेंस को थोड़ा सा परखना चाहते हैं। इसी तरह पर अटैक होगा, अटैक हुआ है सरकार की तरफ से, एक अंक जो है मांगा था लेकिन मिला नहीं। मांगना खिलाड़ी का हक है, देना हमारे जो ऑफिशियल साहिबान हैं उनके पक्ष में है। और इस बार पहला टच पॉइंट हासिल किया है 10 नंबर के खिलाड़ी सोलन की, और सोलन ने अपना खाता खोला। सिरमौर की ओर से सिरमौर के लिए डू डाई है, वहां पर देखना होगा। लीडर सेफ सिरमौर के, और एक एक पॉइंट दोनों टीमों का। और 90 नंबर की खिलाड़ी जो पावर है वो मिड लाइन की तरफ आ गया था, उसी में सोलन की ओर से रेड पे और बहुत बढ़िया रनिंग हैंड टच का प्रयास। एक बार पुनः आप लोगों को बता दो कि जूनियर सीनियर और सब जूनियर कैटेगरी में सोलन जो है फाइनल तक अवश्य पहुंचा है, सीनियर कैटेगरी में जीता है। और सब जूनियर अनामिका बॉडी मोमेंट इनका नहीं रहा तो गति के साथ जो मिड लाइन की तरफ नहीं आ सकी। ये है स्टार खिलाड़ी सोलन की तरफ से जर्सी पहने हुए, इस लड़की को हमने जूनियर कैटेगरी में भी खेलते हुए देखा था। देखना होगा, वहां पर एक पॉइंट की मांग कर रही थी लेकिन पॉइंट एक अलग पहचान बना ली है जिला सोलन ने कबड्डी के क्षेत्र में। वहां पर 6 नंबर की खिलाड़ी जिला सरकार की तरफ से रेड करती है और वहां पर बहुत बढ़िया ब्लैक लगाया और चोट लगने के कारण शायद चोट लग चुकी है 6 नंबर खिलाड़ी को सिरमौर की। सोलन की तरफ से 5 नंबर की खिलाड़ी रेड करती हुई, हमने जूनियर कैटेगरी में भी इनको खेलते हुए देखा था, बहुत कमाल का खेला था इन्होंने फाइनल मुकाबले में। यहाँ पर भी उसी तरीके की परफॉर्मेंस की आशा, लेकिन नतीजा क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बात। और वहां पर एकदम मुड़ के जो है टच लेकर जो है एक पॉइंट हासिल किया सरकार की ओर से 2 नंबर की जर्सी पहने हुए राइट रेडर है। और वहां पर थोड़ा सा एडवांस पंपा हुई थी, खिलाड़ी अपनी स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर पाई, जैसे ही रेडर को पास में पाया तो टच करना ही पड़ा। इस समय स्कोर 2-5 इन द फेवर ऑफ सोलन। मैं स्कोरर से चाहूंगा कि थोड़ा सा स्कोर बोर्ड इस तरफ को लगा दे, बिकी भाई इस तरफ लीडर आउट खिलाड़ी और एक और हासिल किया 5-3 5
सोनम थ्री सिरमौर खिलाड़ी से रेड पर ये सब जूनियर कैटेगरी में पिछले साल जो है नेशनल स्तर पर खेली हैं। इनका जो आत्मविश्वास है वो चौथे आसमान पर है। इनको एक चैंपियन की तरह खेलना होगा यदि और इस टूर्नामेंट को यदि जीतना है। 32nd सब जूनियर कैटेगरी के जो टूर्नामेंट गुरु की नगरी पांडा साहिब से आप सब लोग हमें सुन रहे हैं। आज ये अंतिम दिन है और वहां पर डिफेंस टूट गया है लेकिन गलती हुई है डिफेंस से। वहां पर अंकों की गिनती चल रही है, कितने अंक मिलेंगे। 4 अंक हासिल किए हैं इस 5 नंबर की खिलाड़ी ने। बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन। सरमार की तरफ से मुस्कान खड़े हो गए थे और जानदार डैश 3 अंकों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12-3 इन द फेवर ऑफ सोलन। सरमार को इससे अच्छा खेलना होगा क्योंकि शुरुआती क्षणों में आपने थोड़ा सा कमजोर खेला है। कबड्डी में वापसी की अपार संभावनाएं। कबड्डी एकमात्र ऐसा खेल जिसमें खिलाड़ी ऑल आउट के बाद सरकार की तरफ से अनामिका चली। इस समय लेफ्ट की तरफ से जो रेड करने का प्रयास किया है और बार बार वहां पर पॉइंट लेने का प्रयास और पॉइंट मांगने का भी सामने प्रयास कर रही है लेकिन पॉइंट मिला नहीं है। और इस समय गलती हुई है अनामिका से, एंकल पकड़ने का प्रयास किया था, एंकल होल्ड का प्रयास था लेकिन सफल नहीं हुई उसमें। 13-3 का स्कोर। ये फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं जिला सरमौर के पांटा साहिब से और ये सामने से ब्लॉक आ रहा है और ये जानदार ब्लॉक 10 नंबर के खिलाड़ी 5 नंबर के खिलाड़ी सोलन की तरफ से रेड करती हुई। ये स्टार खिलाड़ी है, भविष्य की आने वाली स्टार है, आज आप लिख लीजिएगा। बहुत शानदार 15 साल की लड़की है मात्र लेकिन इसकी टेक्निक, इसका जज्बा और ये वहां पर गलती कर रहे हैं सरमौर के खिलाड़ी। इतनी आसानी से इतनी हैवी वेट खिलाड़ी आपके हाथ में आने वाली नहीं है और उससे भी बड़ी बात की तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है और वहां पर बोनस का प्रयास कर रही है वंशिका सरमौर की तरफ से और डैश लगा डैश वंशिका को भी। बीच में जो मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा था वो अधूरी रह गई थी टाइम आउट के चलते। ये जो टीम सोलन इस समय खेल रही है ये परमजीत सैनी, इनके जो टीम को जो लगाए गए ये पौधे हैं जो कि एक विशाल वृक्ष विशाल कायपट वृक्ष का रूप लेने वाले हैं कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद आप कह सकते हैं। जब ये बच्चे नेशनल्स में जाएंगे तो वहां पर अभी आप इनको खेलते हुए देखोगे। इनके द्वारा तैयार किए गए ये प्लांट्स भविष्य के बड़े वृक्ष बनने को तैयार। इस समय सोलन ने पूरा डोमिनेट किया हुआ है। सोलन को और अच्छे खेल का प्रदर्शन करना होगा क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है और वहां पर डैश आया और डैश कभी भी मैंने इनकम्प्लीट
इस समय 5 नंबर के खिलाड़ी सोलन की तरफ से, सोलन टीम की कैप्टन भी हैं और शायद चेक लगा है, इस तरीके से स्वीकार भी कर लिया है डिफेंडर ने। सोलन अब गेम को धीमा कर रहा है, गेम की पेस को धीमा कर रहा है क्योंकि स्नेहा नेगी सरदार की तरफ से, स्नेहा को अंक अर्जित करना है। डिफेंस सोलन की तरफ से ये खिलाड़ी और फिर से ऑल आउट मिला है सरदार को। कुछ क्षणों बाद हमारे आज के मुख्य अतिथि मौजूद है माननीय श्री सुखराम चौधरी जी, इस प्रकार में ऊर्जा मंत्री और वो वहां पर अच्छा टाइप किया था लेकिन समय पर डिफेंस का सपोर्ट नहीं आया। ये जो गेम भी नेशन का है, अकेला खिलाड़ी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री और स्थानीय चुनाव क्षेत्र से विधायक माननीय सुखराम चौधरी जी हमारे मध्य में। सोलन वर्सेस उन्ना, दो और एक सेल्फ आउट गई है। डिफेंस में बार बार गलतियां हो रही है सरदार की तरफ से, इसको दुरुस्त करना होगा यदि आपको इस मैच में जीतना है। अगर हारना भी है तो एक सम्मानजनक, क्योंकि जो खेलेगा नहीं वो हारेगा भी नहीं। विजेता तो निश्चित तौर पर एक ही बनेगा और वहां पर बढ़िया जो है रिस्क कलाई पकड़ना पड़ता था और ये सुपर टेकल हुआ है सेलन का। दो अंक मिलेंगे सरदार को और ये वहां पर दर्शकों में उत्साह बढ़ता हुआ क्योंकि स्थानीय दर्शक है, उत्साह क्यों ना हो। सिरमौर की टीम फाइनल खेल रही है और हमारे होम ग्राउंड में कांटा साइड में ये मुकाबला हो रहा है। नलिनी चली डिफेंस में, तो इस लड़की ने निश्चित तौर पर बहुत अच्छा किया है सरवार के लिए और इस वक्त गलती हुई है सोलन से, एक और अंक हासिल किया। डिफेंस थोड़ी सी बड़बड़ाहट दिखाता हुआ और दर्शकों में उत्साह तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अनामिका को संयम बरतना होगा। जैसे ही पॉइंट आता है सरदार के पक्ष में दर्शकों के बीच उत्साह बढ़ जाता है क्योंकि स्थानीय लोग हैं तो मैक्सिमम सरदार के पक्ष के ही लोग हैं, लेकिन कबड्डी में पक्ष विपक्ष कुछ भी नहीं है, ये भी अपने ही बच्चे हैं। और नलिनी वापस अपने कोर्ट में अगर हम लेडी की बात करें तो 20 पॉइंट की लीड से आगे चल रही है सोलन की टीम। बहुत शानदार गेम का मुजाहरा और जैसे ही सोलन की तरफ से लीड आती है 40 सोलन की टीम के पॉइंट, वहां एक टच पॉइंट क्लेम कर रही है सोलन की खिलाड़ी। देखना होगा टच लगा है या नहीं, जी निश्चित तौर पर टच लगा है। वंशिका को आउट होकर वापस जाना पड़ेगा। नलिनी चली सिरमौर की तरफ से रेड का जिम्मा संभाले हुए क्योंकि स्टार रेडर जो सिरमौर की अनामिका है वो इस समय अपना कॉन्फिडेंस वापस नहीं प्राप्त कर पा रही है और एक अंक लेकर आई है नलिनी।
हाफ टाइम चेंज द कोर्ट। दस नंबर जर्सी रेडर रेड करते हुए सिल्वर के पॉइंट में बेहतरीन रेड, राइट जोन है, कवर के ऊपर किक मारने का प्रयास किया लेकिन बहुत अच्छा डिफेंस और पॉइंट की मांग की इस समय रेडर ने। अभी देखना है कि जो हमारे ऑफिशियल हैं मिस्टर अमर वर्मा एवं मिस्टर अमित कुमार, क्या निर्णय इनका अंतिम रहता है। रेडर की मांग एक पॉइंट की है, लगभग 30 सेकंड में रेड होने जा रहा है और ये बिल्कुल सही कर रहा है और एक अंक के साथ ऑन नहीं है और ना ही सुपर टकल ऑन है। इस समय अनामिका नेगी जो बेहतरीन खिलाड़ी है 12 नंबर जर्सी पहने हुए इस समय रेड के लिए, सॉरी एक नंबर जर्सी पहने हुए है और अनामिका सुरक्षित वापिस अपने पहले में। पिछली बार इस लड़की ये साक्षी चंदेल है, इस समय 5 नंबर जर्सी रेड कर रही है। सरवार के पाले में 5 का डिफेंस ऑन है, बहुत बेहतरीन बढ़िया फेक्ट और अच्छा प्रयास किया और देखना है कि ये अभी मंजूर होती है नहीं। लगभग अभी अपने आप को सेल्फ होते हुए लॉबी में बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। यस आप देख रहे हैं कि आप विदाउट स्ट्रगल साइड लॉबी में नहीं जा सकते, यदि आप जाते हैं तो आपको आउट दिया जाएगा, आपको कार्ड देखा जा दिया जा रहा है। ये ऑफिशियल हमारे जो नेशनल आप विदाउट स्ट्रगल जो है लॉबी इस्तेमाल नहीं कर सकते, यदि आप स्ट्रगल में है तो अदरवाइज जानबूझ के लिए, इसका मतलब आप अंपायर को चैलेंज कर रहे हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है जिसके बदले में आपके कार्ड दिखाया गया। इस समय 5 का डिफेंस, इस समय सोलन की टीम का और रेडर बहुत बढ़िया इस समय 4 नंबर जर्सी, बहुत अच्छा प्रयास और बहुत बढ़िया काम किया इस रेडर ने और एक अंक अपनी टीम के लिए। इस समय सोलन की टीम थोड़ी लड़खड़ा हुई दिख रही है, सिल्वर की टीम या कम से कम 2000 दर्शक जो है बैठे हुए आप पूरा मैच का आनंद दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया थाई होल्ड का समय आ रही है कामयाब सिल्वर की टीम। क्या सिंगल थाई होल्ड कला है, सुपर टैकल का मतलब है जब खिलाड़ी 3 या 3 से कम किसी डिफेंडर को पकड़ते उसको सुपर टैकल कहा जाता है, लेकिन अनामी की वजह से पकड़ना आसान नहीं है और सिल्वर की टीम वापसी करती हुई और 2 अंक के साथ अब खतरा बनता हुआ सोलन की टीम के ऊपर। अंतिम खिलाड़ी समय 17 नंबर जर्सी सोलन की ओर से रेड करते हुए सिल्वर के पाले में। सिल्वर की लड़कियों के जो हौसले समय बिल्कुल बुलंद है, पूरी जनता उनके साथ है, होना चाहिए फाइनल की तरह ये मैच होना चाहिए, एक तरफा मुकाबला नहीं होना चाहिए। अच्छा प्रयास किया और ये बहुत ही बढ़िया सिल्वर की टीम लोने देने में कामयाब रही और 3 पॉइंट आप देख रहे हैं कि सचिव है जिला सिल्वर के समय काफी शिलाई जो क्षेत्र है वो कबड्डी में काफी अग्रणी है। और जहां तक मैं बात करना चाहूंगा कबड्डी के फेयर की बात, जो सिलेक्शन कमेटी आपने यहां पे जो फेयर की है, लगभग 4 NIS और कुछ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो उसने जिन कमेटी का सिलेक्शन कमेटी का जो गठन किया गया वो बिल्कुल बिल्कुल तत्पर है और अपने अपने ड्यूटी निभा रहे हैं। साक्षी चंदेल रेड करते हुए बहुत बढ़िया इस समय राइट जॉन से रेड स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा प्रयास है बच्चा कौन उसके लिए और साक्षी चंदेल का जीत किया और अपने टीम के लिए एक 32-18 लगभग काफी मार्जिन है, 42-18 के मार्जिन से सोलन की टीम जो है खेल रही है। लेकिन सिरमौर की टीम को मैं बता देता हूं कि वापसी करते हुए टीम को एक लौने देने में कामयाब रही है, 18 अंक सिरमौर के जबकि 42 इस समय सोलन टीम के। सोलन की टीम सेकंड हाफ के बाद लगातार लीड बनाती हूँ। आगे का मैं आपको माइक ओवर टू श्री मोहन चिंटन जी, प्लीज मोहन चिंटन जी। थैंक यू सो मच सर। इस समय मुकाबला चलता हुआ सिरमौर और सोलन के मध्य, सिरमौर ने वापसी का बजा दिया है, देखना होगा और वहां पर स्ट्रगल चल रहा है। खिलाड़ी लॉबी में थी, हाथ दोनों ब्लॉक थे लेकिन फिर भी किसी तरीके से हाथ जो है मिडलाइन की तरफ सरका दिए और एक अंक अर्जित किया। डिफेंस का बहुत बड़ा प्रयास था लेकिन थोड़ा एडवांस टैकल था ये और वहां पर डिफेंस टूट पड़ा। सोलन की खासियत है कमजोर खिलाड़ी को देखते हैं तो पूरा डिफेंस टूट पड़ता है। 1 point each सोलन की 5 नंबर की खिलाड़ी रेड करती हुई, इसके भविष्यवाणी तो हम पहले ही कर चुके हैं कि ये सुपरस्टार है और वहां पर
गलती हुई है डिफेंस से, सुपर रेड लगा दी है इस खिलाड़ी ने, डिफेंस को तितर बितर कर देती है जब भी रेड में जाती है। अभी भी इस मैच में काफी समय बचा है, यदि वापसी करनी है तो संभव है, लेकिन अच्छा खेल आपको खेलना पड़ेगा। दर्शकों में उत्साह, किसी तरीके से पॉइंट मिले और सरवर के लिए वापसी करे, लेकिन दांत देनी होगी सोलन कबड्डी की। और इस समय अंक अर्जित किया है 25 नंबर के खिलाड़ी, आउट होकर वापस जा रहे हैं सोलन के। सिरमौर के खेमे में अब तीन खिलाड़ी, तीन के डिफेंस में पॉइंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन ये जो खिलाड़ी है पांच नंबर, किसी ने मुश्किल है, इस बार डैश कर दिया है, बहुत बढ़िया सुपर टेबल हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है तो खिलाड़ियों को थकान भी होती है, और बार बार ये जो रेडर है रेड कर रही है। इस समय बढ़िया डैश आया, सपोर्ट आया टाइम से, और वहां पर अनामिका भी किसी एक के रुके तो रुकने वाले नहीं है, नेशनल प्लेयर है ये भी, इनकी तरफ और एक और अंक अर्जित किया। सिरमौर को यदि वापसी करनी है तो अभी चोट आ गई है शोल्डर में कहीं, 10 नंबर खिलाड़ी सोलन के शोल्डर में चोट लग गई है। कांटे की टक्कर चल रही है सोलन सिरमौर के बीच में, जो कि फाइनल मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है जो स्टेट लेवल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 साहिब सिरमौर हिमाचल प्रदेश में कबड्डी का रोमांचक मुकाबला चला हुआ है। इस टूर्नामेंट का सेक्शन का फाइनल एग्जिट 4:30 4:30 होगा। ये दोनों टीमें ध्यान दें और ऑफिशियल भी ध्यान दें, 4:30 इस टूर्नामेंट का समापन समारोह होगा उनके मुख्य अतिथि के सामने मैच यहाँ पे करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे ये मैच खत्म होता है, जैसे ये मैच सोलन की पांच नंबर की खिलाड़ी और वहां पर टू टच कर दिया है नलिनी को, साक्षी है रेड पर। इस खिलाड़ी का नाम आप याद रखिएगा क्योंकि आने वाले 2-4 सालों के बाद आप इसको इंडिया के लिए जरूर खेलता हुआ देखेंगे। बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन किया इस लड़की ने। दूसरी तरफ ये लड़की जिसका नाम है अनामिका नेगी, इसको भी आप जरूर इंडिया की जर्सी में देखोगे क्योंकि ये दोनों इतनी शानदार खिलाड़ी है। और वहां पर बहुत बढ़िया अच्छा प्रयास था लेकिन डिफेंस इनके ऊपर टूटा, और फाइनल मैच के लिए थोड़ा सा समझिए कि 4:00 का रखा जाए। तो सभी दर्शक अपनी अपनी सीट जो है संभाल कर रखिए, 4:00 एक और मुकाबला आपको देखने को मिलेगा जो कि फाइनल मुकाबला होगा उन्ना और सोलन के मध्य। सोलन की खिलाड़ी ने सिरमौर की तरफ से 16 नंबर की खिलाड़ी रेड करती हुई और टच पॉइंट का दावा, टच पॉइंट मिला भी है। स्कोर इस समय आई मीन टू प्ले 51-31 का स्कोर है, लेकिन कबड्डी में अनिश्चित कुछ भी नहीं है, इतने स्कोर को बचे हुए समय में पाटा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, लेकिन आपको चैंपियन की तरह खेलना होगा क्योंकि फाइनल में आप ऐसे हैं तो चैंपियन तो आप है ही। बहुत बढ़िया प्रयास वहां पर, लेकिन डिफेंस बिल्कुल गलत,
टैकल नहीं किया है। कभी कभी पॉइंट अगर टच करके खिलाड़ी ले जाते हैं तो उसमें दुख नहीं होता, लेकिन कभी गलत डिफेंस हो जाए, आपने बहुत बड़ा लॉट कभी गलती से दे दिया हो तो वो गलत हम खेल के खराब डिफेंस खेला है। टच के लिए फिर से अपील करती हुई साक्षी, इनका तो अगर हम पूरे सीजन का या पूरे टूर्नामेंट का अगर हम स्कोर देखेंगे तो 100 से ऊपर पॉइंट उन्होंने बनाए होंगे। इस तरीके का भी डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, यदि इस तरीके का डाटा उपलब्ध हो जाएगा तो कुछ ही क्षण बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने टोटल रेड पॉइंट बनाए थे। दूसरी तरफ अनामी दोनों के जो रेड पॉइंट है लगभग बराबर हो गए। एक और ऑल आउट मिलता है सिरमौर को। ब्रेक के बाद पुनः मैच शुरू होता हुआ नलिनी है रेड पर, इस खिलाड़ी ने भी बहुत प्रभावित किया है। बिलासपुर और सिरमौर के मध्य जो मैच हुआ था वो धड़कने रोकने वाला मैच था। दो बार टाइम हुआ था मुकाबला और उस मैच का जो निर्णय वो गोल्डन रेड से हुआ था जिसमें सिरमौर जीता था। इस समय नलिनी आउट हो गई। चार नंबर की खिलाड़ी सोलन की तरफ से, सोलन अब जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्यों ना हो एक मजबूत लीड आपने बना ली है। और ये जो खिलाड़ी है ये भी दमदार है, छोटी है पर देखिए इस खिलाड़ी के स्किल्स देखिए। डिफेंस का जो सपोर्ट आया था उसको भी साथ लेकर आ गई और लोभी का इस्तेमाल करते हुए मिड लाइन को टच कर दिया। सिरमौर की तरफ से छह नंबर की खिलाड़ी स्नेहा तोमर है, ये सेल्फ आउट हो गई। इसमें स्पीड पर नियंत्रण करना होता है मैट के ऊपर, कभी अचानक आप जो है अगर स्पीड ज्यादा पकड़ लेते हैं तो आप रुक नहीं सकते। इस मिनट में मात्र औपचारिकता है बाकी और देखना होगा। दो पॉइंट मिले हैं और दो मिनट का समय, अंत के दो मिनट का समय और इस तरीके से एक और ऑल आउट मिलता हुआ सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं इधर फेंको इसको बाहर, बोनस हो गया यार जाने इधर 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 अब देखिए मार रही है। नहीं 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 बोनस मार दे कोई बात नहीं, मार दे बोनस तुम्हारी, बोनस मार दे एक बारी, मार दे मार दे। अंतिम के एक मिनट का समय, मानुभाव की स्कूटी की चाबी गिरी है तो यदि स्कूटी की चाबी की चेक कोई यहां पर है तो जी थैंक यू। इस समय अंतिम के कुछ सेकंड्स का खेल और वहां पर बहुत बढ़िया अंत में जी नहीं चली सिरमौर के लिए। ज्यादा समय इस मैच में अब है नहीं, औपचारिकताएं मात्र बची हैं। ज्यादा प्रयास भी नहीं कर रही है नलिनी क्योंकि अब एक रेड से जो है इस मैच की तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सकती है। और सोलन की टीम ये मैच समाप्त होता हुआ बहुत बड़ा